नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ कि डायमेंसिटी का नया प्रोसेसर आने वाला है। और ये जो प्रोसेसर ये होगा दरअसल डायमेंसिटी 820 के अपडेटेड वर्जन, लेकिन जो फ्लैगशिप वाला डायमेंसिटी 1000 प्लस उसके थोड़ा सा लोअर एडिशन होगा। तो इस वीडियो में आपको डायमेंसिटी 900 कब लॉन्च होगा, कौन से स्मार्टफोन में सबसे पहले आएगा, इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और फाइनली इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर एग्जैक्टली क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त बर्बाद। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करते हैं इसका नाम क्या है। जैसे कि आपको पता है ये जो नया वाला प्रोसेसर आने वाला है इसका नाम होगा डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर। और ऑब्वियसली हर एक डायमेंसिटी प्रोसेसर के जैसा ये भी होगा एक 5G प्रोसेसर। कहा जा रही कि ये जो नया वाला प्रोसेसर आने वाला है इसका आर्किटेक्चर होगा 6 नैनोमीटर बेस्ड, मतलब एग्जैक्टली सेम टाइप का आर्किटेक्चर यूज करेगा जो कि दरअसल डायमेंसिटी 1100 और डायमेंसिटी 1200 इस्तेमाल करता है। तो मतलब ये वाला प्रोसेसर मिड रेंज के लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पावर एफिशिएंट होगा। अगर कोर कॉन्फ़िगरेशन की बारे में बात करें, कहा जा रही कि इसमें आपको एग्जैक्टली डायमेंसिटी 1100 और 1200 के जैसा ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, मतलब एक हाई परफॉर्मेंस कोर, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलेगा। समझ लो कि ऑलमोस्ट 90% चांस है कि इसका जो हाई परफॉर्मेंस कोर वो होगा कोर्टेक्स A77 कोर। A78 होने के ना के बराबर चांस है। ऐसा क्यों है ये मैं वीडियो के आखिर में जरूर बताऊंगा। मतलब इसमें हमें 4 कोर्टेक्स A77 कोर मिलेगा और 4 कोर्टेक्स A55 कोर मिलेगा। अगर हम इसे डायमेंसिटी 820 के साथ कंपेयर करें तो डायमेंसिटी 820 में आपको मिला था कोर्टेक्स A76 कोर। तो मतलब ये उसका ही डायरेक्ट अपग्रेड वर्जन होने वाला है। अगर स्पीड की बारे में बात करें, कहा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम स्पीड होगा 2.6 या फिर 2.7 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास। अगर इसके रैम रोम और डिस्प्ले सपोर्ट की बारे में बात करें, कहा जा रहा है कि ये जो नया वाला प्रोसेसर आने वाला है इसमें अभी भी LPDDR4X क्वालिटी के रैम का सपोर्ट मिलेगा और UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। और जो मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट वो मिलेगा 200 मेगापिक्सल तक, क्योंकि बहुत ही जल्द सैमसंग बजट स्मार्टफोन के लिए भी 200 मेगापिक्सल का सेंसर लॉन्च करने वाला है। अगर डिस्प्ले सपोर्ट की बारे में बात करें, इस बार भी आपको मैक्सिमम फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि बजट रेंज में भी अभी 120Hz या फिर 144Hz रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। तो इसीलिए जो नया वाला डायमेंसिटी 900 आने वाला है इसमें आपको मैक्सिमम 144Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे सबसे मेन चीज, ये जो नया प्रोसेसर आने वाला है इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर क्या है और कहां से मुझे एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मिला। अब देखिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं इधर से लीक ऑथेंटिक स्कोर है डायमेंसिटी 900 के। तो ये जो स्नैपड्रैगन 768G इसका एंटीटू स्कोर है 4,40,000 के आसपास। जो डायमेंसिटी 820 उसका एंटीटू स्कोर है 4,80,000 के आसपास। ये जो नया वाला डायमेंसिटी 900 इसका एंटीटू स्कोर है 4,80,000 के आसपास। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेसर ये स्नैपड्रैगन 768G से भी बहुत ही आगे होने वाला है। लेकिन अगर हम इसे स्नैपड्रैगन 780G के एंटीटू स्कोर के साथ कंपेयर करें बहुत ही कम है, क्योंकि उसका एंटीटू स्कोर है 5,40,000 के आसपास। और बिल्कुल यही रीजन की वजह से मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो नया वाला डायमेंसिटी 900 आने वाला है गारंटीड, मतलब ऑलमोस्ट 90% चांस है कि कोर्टेक्स A77 कोर बेस्ड होगा। क्योंकि अगर कोर्टेक्स A78 कोर होता तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इसका एंटीटू स्कोर मिनिमम 5,50,000 से भी ज्यादा होता, क्योंकि हमने ये चीज देखा है कि CPU स्कोर हमेशा मीडियाटेक का ज्यादा आता है और क्वालकॉम का थोड़ा सा कम आता है। लेकिन क्वालकॉम का GPU बहुत ही पावरफुल है, मीडियाटेक का GPU थोड़ा सा लो है। तो यही रीजन की वजह से डेफिनेटली इस डायमेंसिटी 900 में जो कोर वो होगा 4 कोर्टेक्स A77 और 4 कोर्टेक्स A55 कोर। और जो फाइनल सवाल, ये जो नया वाला प्रोसेसर आने वाला है किस स्मार्टफोन में सबसे पहले आएगा और कब लॉन्च होगा। अब देखिए इस महीने के अंत तक ओप्पो रेनो 6 सीरीज चाइना पे लॉन्च होने वाला है, ओप्पो रेनो 6, 6 प्रो, 6 प्रो प्लस। आपने ये चीज नोटिस किया होगा पिछले साल जो ओप्पो रेनो सीरीज लॉन्च हुआ था उसमें से एक स्मार्टफोन में आपको एक स्पेशल डायमेंसिटी 1000C या फिर L नाम का कुछ प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। तो एग्जैक्टली इस बार भी ओप्पो के एक सीरीज में जो कि वो इसका बेस वेरिएंट मतलब नॉर्मल वाला जो ओप्पो रेनो 6 उसमें आपको देखने को मिलेगा डायमेंसिटी 900। तो मतलब ये जो प्रोसेसर है लॉन्च होने वाला है इसी महीने। तो डायमेंसिटी 900 के बारे में अभी तक यही सारे कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिला है। और हर बार की तरह इस बार भी ये जो वीडियो मैं आपको यूट्यूब में सबसे पहले आपके पास पहुंचा रहा हूँ। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी मुझे पहले से ही बता के रखना कि जब डायमेंसिटी 900 लॉन्च होगा तो अब इसके साथ कौन से प्रोसेसर का कॉम्पेरिजन देखना चाहोगे। तो जब भी प्रोसेसर लॉन्च होगा तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो सबसे पहले बना पाऊंगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।